शाम को 7 बजे एक ड्राइवर और आया, एक कंपनी और है। ड्राइवर आया, कहने लगा मेरी भी नहीं खाली हो रही है, तो कहने लगा हमने मुर्गा बनवाया था, कि पाते की चटनी दे देना, ठीक है। तो ले आया बनवा के, शामी के 7 बजे खा लिया, और खा के मुश्किल 15-20 मिनट बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब सो गया मैं। रब जब गाड़ी देखी चल रही रात के 11 बजे, कल चुपचाप लेट जा, मैंने कहा ये कहाँ ले जा रहे हैं, देख नहीं दुई, फिर वो गैस था, चुपचाप लेट जाना मारूंगा तुझे, रस्सी थी बांध दिया। फिर चलते चलते तो रस्सी बंधी रही, तो हम सोते रहे पड़े रहे, और देख मत, तो देखा कि धीरे धीरे पैर करके मैंने पैर की रस्सी खुल गई, तो ड्राइवर साइड से मैं जबरदस्ती ड्राइवर साइड में घुस गया, ड्राइवर जो चला रहा था घुस गया, वो उसने भी पकड़ा, उसने भी पकड़ा, मैं जबरदस्ती कूद गया और आई थाना पे, फिर मैंने कंप्लेन करी। तो मोहन सराय पहुंचा, मोहन सराय पे नो एंट्री रहती है, नो एंट्री जब 10 बजे के बाद खुली तो 11 बजे फैक्ट्री पे पहुंचा, मालिक से बात किया, मालिक ने कहा कि कल संडे, कल माल नहीं उतरेगा, सोमवार को उतरेगा। ये वहीं रेस्ट किया अपना, शाम को इसने करीब 7 बजे के समथिंग एक दूसरा ड्राइवर इससे आया कि उस्ताद चिकन बना ले, इसने चिकन बनाया, खाना खाया, तो उसके बाद में ये सो गया। हमने पूछा दारू तो नहीं पिया था, कि इसने मना किया दारू नहीं पिए थे, ये सो गया। फिर रात में दो लोग बता रहे हैं कि गाड़ी लेकर के चले, मैंने जब देखा जगह तो दो लोग गाड़ी में थे और गाड़ी मेरी रन कर रही थी। मैंने पूछा भाई मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठे रहो, तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, इनमें हाथा पोई, तो उसने गेज उठा करके इसके सर पर मार दिया और जिससे इसके ब्लड वगैरह निकल आया। फिर इसको पीने के लिए उन्होंने इनो कहा कि लो इनो पानी है, ये पानी की बोतल में था जिस तरह की, तो इसे पी लो, तो कि तुम्हें उल्टी हो गई है, तो इसको पानी पिलाया, तो इसको ये फिर सो गया, इसको नींद आ गई, इसके हाथ पैर बांध दिए। जब ये सुबह 4 बजे के लगभग जगा तो इसके हाथ पैर बंधे थे, गाड़ी चल रही थी। जब ये मिर्जापुर औरई रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर आगे पहुंचा तो इसने बताया कि मैंने ब्रेक पर पैर रखा और मैंने गाड़ी रोकी और मैं ज़बरदस्ती कूद गया, पैर पहले खुल चुका था और हाथों को झटका दे के इस तरह से रस्सी खोला और ये कूद गया गाड़ी से, जब गाड़ी रुक गई। फिर 4:45 बजे थाने आया, इसने थाने पर बताया कि इस तरह की बात हो गई है। फिर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं तुरंत थाने आ रहा हूँ, और हम लोगों ने तुरंत इसके मालिक का नंबर लेकर के उससे बात की कि गाड़ी आपकी कहाँ रन कर रही है बताओ, GPS लगा था गाड़ी में। मालिक ने कहा था कि महाराजगंज गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग सभी लोग 3 गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच गए महाराजगंज पुल से पहले, ये गाड़ी खड़ी मिल गई हमें, फिर इस ड्राइवर से इस गाड़ी को यहाँ ले वाला है थाने, और फिर उससे GPS लोकेशन हमने पूरी मांगी, क्योंकि उस समय पूरी लोकेशन नहीं दे पाया था, उसने कहा कि कंपनी में जा करके देंगे, तो फिर हमको उसने लोकेशन सेंड की, तो यहाँ लगभग 4 घंटे गाड़ी रुकी थी गोपीगंज में। उसी चक पर हम यहाँ पर आए, तो हमने एक दो गोदाम देखे, गोल्डी का एक गोदाम है पीछे, उसको भी देखा, तो उसमें 100 पेटी मिली, तो उसमें 284 का माल था, 50 पेटी वहाँ मिली हमें, 100 पेटी मंगवाया था हमने। तो फिर हमने मालिक से बात करी, उसने कहा नहीं इनके यहाँ 284 नंबर का माल गया है और इस ट्रक में भी 284 नंबर का माल था। तो फिर हम वहाँ से चले आए, फिर यहाँ हमने देखा कैमरे वगैरह से देखा, तो गाड़ी यहाँ खड़ी मिली हमें। फिर शक के बिना पे हमने एक दो घर और खुलवाए, फिर इस घर को खुलवाया जब हमने, तो इसमें पूरी मात्रा में ट्रक का सारा माल इस घर के अंदर, जहाँ मैं बैठा हूँ, पूरा माल इस घर के अंदर भरा पड़ा है। अभी गाड़ी मंगवाई है, लेबर मंगवाई।